subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. We are going to learn 2.3 Mark Twain. ये सबसे पहले हम इसका चिट चैट के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को आखिर तक देखिए. हु इज़ योर फेवरेट कॉमेडियन? आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? आप क्या कहेंगे, महमूद है, जॉनी लीवर है या फिर राजपाल यादव है? व्हाट डू यू लाइक बेटर, टू लिसन टू अ जोक और टू टेल अ जोक? क्या आपको जोक सुनना, लतीफ़ा सुनना पसंद है या सुनाना पसंद है, यानी सुनना पसंद होता है या आप सुनाना आपको अच्छा लगता है? ऑब्वियसली सुनना पसंद है, और सुनाने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन सुनने का मज़ा बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं. डू यू लाइक कार्टून्स एंड कार्टून फिल्म्स? क्या आपको कार्टून पसंद है, टॉम एंड जेरी वगैरह, कार्टून नेटवर्क या पोगो वगैरह देखते हैं क्या? बिल्कुल देखते होंगे. डू यू लाइक कार्टून एंड कार्टून फिल्म्स? विच वन डू यू लाइक बेस्ट? कौन कौन से कार्टून देखना पसंद करेंगे आप देखते होंगे, टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस या फिर शिनचैन, नहीं तो फिर लॉबी था, कौन सा है वो, डोरेमोन. वेरी गुड. चलिए लेट्स सी क्विक थिंकर्स के बारे में. अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको मीनिंगफुल फ्रेजेस बनाना है और उसके बारे में हमने थोड़े से यहाँ पर ऑलरेडी दिया है. जैसे कि वन शॉप, वन मैन, वन शॉप, वन रोड, टू रोड, टू थिंग्स, 200 रुपीस, थ्री लैम्प्स, थ्री बेल्स, थ्री नेल्स, थ्री बुक्स, फोर, अ फोर व्हीलर, और क्या लिख सकते हैं, फोर पर्सन्स, फाइव फ्रॉग्स, फाइव मैंगो, सिक्स काइट्स, सिक्स लेन, सेवन एरोज, सेवन बुक्स, सेवन स्टोरी बुक्स, फोर्टी फ्लावर्स, 40 मिनट्स, हंड्रेड डॉट्स. अब ये क्या है, आपने एक आपने इसके वर्ड्स को वर्ड मिलाकर सेंटेंसेस बनाए हैं. अब यहाँ पर एक मैप है, ये मैप के बारे में आप इसके एरो वगैरह के बारे में मालूम हासिल कर सकते हैं, और इसमें इसका एक की वर्ड यूज़ करके आप एक पैसेज बना सकते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं मार्क ट्वेन की. व्हाट वाज मार्क ट्वेन्स रियल नेम? मार्क ट्वेन का रियल नेम क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं. मार्क ट्वेन वाज द पेन नेम ऑफ सैमुअल लैगन क्लेमेंस, अ पॉपुलर अमेरिकन राइटर. ये मार्क ट्वेन जो है अमेरिका के एक मशहूर मुसन्निफ हैं, का जिनका सही नाम क्या है, सैमुअल लॉन्ग हॉर्न क्लेमेंस. ही वॉज फेमस फॉर हिज ह्यूमरस स्टोरीज. वो कह के लिए मशहूर है, वो अपनी तंज व मज़ा की मजाकिया कहानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है. नावल्स एंड अदर राइटिंग, सर वो नावल्स और दूसरी भी चीज़ें लिखा करते हैं. हिज रेडी विट शोन थ्रू एवरी डे कन्वर्जेशंस. अब उनकी जो रोज़मर्रा की बातों में जो मज़ा होता है, मजाकिया बातें होती है, तंज़ मज़ा की बातें होती है, वो उनकी ज़िंदगी की एक आदत बन गई थी, और इसीलिए हिज रेडी विट शोन थ्रू एवरी डे कन्वर्जेशंस, मैनी एनेक्डोट्स रिलेटेड टू माइक ट्वेन आर टोल्ड एंड एन्जॉयड एवरी डे. और इस किस्म के कई एनेक्डोट किस्से, ऐसे कई छोटे मोटे किस्से जो है इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए. इट शुड बी नोटेड डैट ही वॉज अ ग्रेट डिफेंडर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. अब उनके बारे में क्या बात है, अब ये ठीक है मजाहिया तो है, लेकिन उनके बारे में कुछ बहुत ही अहम बातें हैं. वो बोले तो इतने किस्से और मजाहिया चीज़ें वो पेश करते थे कि ज़िंदगी की उकताहट ख़त्म हो जाती थी. तो मार्क ट्वेन की ज़िंदगी जो है इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई है, और वो आज़ादी, मसावात और भाईचारे में बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे. ही अपोज्ड वार्स एंड इम्पेरियलिज़म, उन्होंने जंगों का और इम्पेरियलिज़म यानी कि जो हुकुम चलाने वाले होते हैं, हाकिम होते हैं आमतौर पर, साम्राज्यवाद, उसका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था. एंड सपोर्टेड द कॉज ऑफ लेबरर्स एंड ऑफ द ब्लैक पीपल इन हिज कंट्री, और उन्होंने मज़दूरों और जो
ब्लैक पीपल यानी कि हबशी अफ्रीकी रंग के रंग नस्ल के लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था जो अमेरिका में थे। गिवन वुलर सम एनेक्डोट्स फ्रॉम हिज लाइफ एंड सम कोटेशंस फ्रॉम हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स। अब जो ज़ैल का मजमून है इसमें इसी किस्म की तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। सम एनेक्डोट्स यानी कि कुछ मशहूर कहानियाँ। सबसे पहले, वन डे ड्यूरिंग अ लेक्चर टूर मार्क ट्वेन एंटर्ड अ लोकल बारबर शॉप फॉर अ शेव। और एक दिन की बात है, वो अपना एक लेक्चर देने के लिए जा रहे थे तो मार्क ट्वेन जो है वो एक बारबर शॉप यानी हजाम की दुकान में दाखिल हो गए ताकि थोड़ा सा शेव बना ले, दाढ़ी बना ले। दिस ट्वेन टोल्ड द बारबर वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द टाउन। अब मार्क ट्वेन ने ये हजाम से कहा कि मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ और हजामत बनाना चाहता हूँ। यू हैव चूजन अ गुड टाइम टू कम ही डिक्लेर्ड। ओ ट्वेन रिप्लाइड, यानी बारबर ने हजाम ने क्या कहा कि आपने सही वक्त चुना है यहाँ पर आने के लिए। ट्वेन ने कहा हाँ ऐसा है, मार्क ट्वेन इज़ गोइंग टू लेक्चर हियर टू नाइट, यू विल वॉन्ट टू गो आई सपोज। अब वो बारबर यानी हजाम क्या कहने लगा, मार्क ट्वेन आज एक लेक्चर देने वाले हैं आज शाम को और तुम्हें जाना चाहिए और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि तुम बिल्कुल जाओगे। आई गेस सो, मैंने भी ऐसा गेस किया है। हैव यू बॉट योर टिकट येट, क्या तुमने तुम्हारा टिकट ख़रीद लिया है। नो नॉट येट, नहीं अभी तक तो नहीं। वेल इट्स सोल्ड आउट सो यू विल हैव टू स्टैंड। हाँ वो तमाम टिकट बिक चुके हैं, अब तो तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा। जस्ट माई लक, ये तो मेरी किस्मत की बात है, सेड ट्वेन विद अ साई यानी थोड़ी गहरी सांस लेते हुए। आई ऑलवेज हैव टू स्टैंड व्हेन दैट फॉलो फेलो लेक्चर्स, मुझे हमेशा खड़ा रहना पड़ता है जब भी मुझे लेक्चर देना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से इस चीज़ को यहाँ पर बयान किया गया है। अब ये मिसिस स्टो वॉज लीविंग फॉर फ्लोरिडा। अब मिसिस स्टो जो है वो फ्लोरिडा के लिए जा रही थी। एंड क्लेमेंस द यंग मार्क ट्वेन रैन ओवर अर्ली टू से गुड बाय। तो जो क्लेमेंस है यानी मार्क ट्वेन जो है जब नौजवान थे तो जल्दी सुबह उठ गए और गुड बाय कहने के लिए चले गए। ऑन हिज रिटर्न मिसिस क्लेमेंस रिगार्डेड हिज अप्रूविंगली। वापसी पर मिसिस क्लेमेंस ने कहा कि उसे उन्होंने माना नहीं, डिसअप्रूविंगली यानी कि उसे एक गलत बात समझते हुए उसे माना नहीं और उसे इनकार किया। व्हाई शी सेड, उन्होंने क्यों कहा, यू हैवेंट ऑन एनी कॉलर एंड टाई, तुमने तो ना कोई कॉलर लगाया था ना टाई पहने थे, बस उठे छुटे और ऐसे ही चले गए। ही सेड नथिंग, लेकिन मार्क ट्वेन ने कुछ नहीं कहा। बट वेंट अप टू हिज रूम, डिड अप दिस आइटम्स इन अ नीट पैकेज एंड सेंट इट ओवर टू मिसेस स्टो बाय अ सर्वेंट विद अ लाइन, हियर विथ रिसीव अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मी। यानी उन्होंने क्या किया, अपनी जो कॉलर और टाई थी उसे जाकर उन्होंने एक अच्छे तरीके से पैक किया और उसे मिसिस स्टो को सर्वेंट के हाथों भिजवा दिया और क्या लिखा, यहाँ पर आपके आपके खिदमत में ये मैं पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमाइए। वन डे हेनरी एरविंग इन द मेडिस्ट ऑफ टेलिंग मार्क ट्वेन अ ह्यूमरस स्टोरी। और एक वक्त की बात है कि हेनरी एरविंग जो है मार्क ट्वेन को एक बहुत ही मजाहिया कहानी सुना रहे थे। एब्रप्टली स्टॉप्ड एंड एग्जामिन्ड हिज फ्रेंड्स फेस, और अचानक वो रुक गए और अपने दोस्त का चेहरा पढ़ने लगे। यू हैवंट हियर दिस, हैव यू, तुमने इसे नहीं सुना, क्या तुम इसे सुन चुके हो। ही आस्क्ड, ट्वेन अश्योर्ड हिम डैट ही हैड नॉट। और ट्वेन ने क्या किया, उन्हें यकीन दिला दिया कि उन्होंने ये सब सुना नहीं है। वेन सम टाइम लेटर इरविंग अगेन पॉज एंड अगेन पोज द क्वेश्चन, और कुछ वक्फे के बाद इरविंग ने दोबारा थोड़ा रुक गए और पूछा। ट्वेन ने क्या कहा, ट्वेन अगेन रीअश्योर्ड हिम। देन अप्रोचिंग द क्लाइमेक्स इरविंग ब्रोक ऑफ वंस मोर, आर यू क्वाइट श्योर यू हैवेंट हर्ड दिस, ही डिमांडेड सस्पिशियसली। इरविंग ने दोबारा पूछा कि क्या तुमने फिर भी नहीं सुना, और उसके ऊपर उन्हें थोड़ा सा शक हो गया था। आई कैन लाई वंस, मार्क ट्वेन ने क्या कहा, मैं एक ही बार झूठ बोल सकता हूँ। आई कैन लाई ट्वाइस फॉर कर्टसी सेक, और मैं दो मरतबा आपकी इज्जत रखने के लिए झूठ बोल सकता हूँ। बट आई ड्रॉ द लाइन देयर, लेकिन वहाँ पर मैंने एक लकीर खींच दी है। आई कांट लाई द थर्ड टाइम एट माई एनी प्राइज, I not only heard the story, I invented it.
अब उसके बाद क्या कहा मार्क ट्वेन ने, मैंने ना सिर्फ आपकी कहानी सुनी बल्कि उसको ईजाद भी किया। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।